जिसकी मृत्यु हो गई है उसका भी एफिडेविट डाला गया है। दूसरा उदाहरण है कि वो माइनर है यानी अल्प आयु का है, 18 वर्ष से कम है, एफिडेविट डाला गया है। तीसरा कैटेगरी है, कई ऐसे एफिडेविट हैं जिसमें जो पद लिखा है एनसीपी का वो पद कहीं जानता ही नहीं है एनसीपी, एनसीपी के संविधान में नहीं है, कभी लागू नहीं हुआ। चौथा कैटेगरी है जिसमें हमने दिखाया सिर्फ हाउसवाइफ लिख के फाइल कर दिया है, सिर्फ जोमैटो का सेल्स मैनेजर लिख के फाइल कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से हमने 24 कैटेगरी बनाई, 24 कैटेगरी। उन 24 कैटेगरी से दर्शाते हैं कि ये सिर्फ मिथ्या प्रचार है, फ्रॉडुलेंट एफिडेविट्स हैं, एफिडेविट्स बनाए गए हैं सिर्फ एक झूठे केस को समर्थन देने के लिए। अभी हमारी लगभग 1.5 घंटे की सुनवाई खत्म हुई है चुनाव आयोग में। हमारी तरफ से रिस्पोंडेंट जो हैं, जवाबदेही पहली बार शुरू हुई और हमने कुछ बहुत ही चौंका देने वाले, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ें, तथ्य चुनाव आयोग के सामने रखे। मुख्य इसमें था कि जो दस्तावेज याचक ने, एप्लिकेंट ने चुनाव आयोग में फाइल किए थे, हमने लगभग 20,000 ऐसे एफिडेविट ढूंढे हैं और हमने 8,900 उसमें से एफिडेविट्स की चार्ट बना के दी माननीय चुनाव आयोग को, जिसमें पूरी तरह से भ्रष्ट तरीके से, विकृत तरीके से दस्तावेज और हलफनामों पे अनेकों प्रकार की त्रुटियां हैं, जो दिखाता है कि ये फॉर्जरी है, ये फ्रॉड है। उदाहरण के तौर पे एक कैटेगरी है जहाँ की व्यक्ति विशेष मृत है, जिसकी मृत्यु हो गई है उसका भी एफिडेविट डाला गया है। दूसरा उदाहरण है कि वो माइनर है यानी अल्प आयु का है, 18 वर्ष से कम है, एफिडेविट डाला गया है। तीसरा कैटेगरी है, कई ऐसे एफिडेविट हैं जिसमें जो पद लिखा है एनसीपी का वो पद कहीं जानता ही नहीं है एनसीपी, एनसीपी के संविधान में नहीं है, कभी लागू नहीं हुआ। चौथा कैटेगरी है जिसमें हमने दिखाया सिर्फ हाउसवाइफ लिख के फाइल कर दिया है, सिर्फ जोमैटो का सेल्स मैनेजर लिख के फाइल कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से हमने 24 कैटेगरी बनाई, 24 कैटेगरी। उन 24 कैटेगरी से दर्शाते हैं कि ये सिर्फ मिथ्या प्रचार है, फ्रॉडुलेंट एफिडेविट्स हैं, एफिडेविट्स बनाए गए हैं सिर्फ एक झूठे केस को समर्थन देने के लिए। और इसका मतलब ये हुआ कि जो अजीत पवार फैक्शन जिसको आप कहते हैं, उनके पास कोई समर्थन नहीं है। ये बहस और दलील 20 तारीख को चलेगी, लेकिन हमने साथ साथ मांग की माननीय चुनाव आयोग से दैट ये कि ये इतना गंभीर है, इतना व्यापक है कि ये अति आवश्यक है कि आप इसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करें। झूठा बयान, झूठे हलफनामे देने के लिए उनको दंडित करें। क्रिमिनल आईपीसी जो है, दंड संहिता है, उसके अंतर्गत जो कई सारे झूठे बयान देने के ऑफेंस होते हैं उसके विषय में एक्शन लें, इत्यादि इत्यादि। तो ये मामला अब चलेगा 20 तारीख को और हमें आशा और विश्वास है कि सत्य की